अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर सच्चा टेक बार। तो गाइस काफी कमेंट्स मैसेजेस, भाई इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो वर्सेस रेडमी नोट 13 प्रो का कंपैरिजन वीडियो चाहिए, कंप्लीटली इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो चाहिए। तो ये लो जी गाइस, जितनी शिद्दत से मैंने इस वीडियो को बनाया है भाई, जितनी मेहनत से, शौक से, एज अ प्राइमरी ड्राइवर के तौर पर दोनों ही मोबाइल फोन को तकरीबन 1 वीक यूज किया है, छोटी मोटी चीज में भी कंपेरिजन करके फाइनली जो है इन डेप्थ कंपेरिजन वीडियो बनाने जा रहा हूं। इसी शौक और दिलचस्पी से वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन बटन को क्लिक करते हुए मेरे इस वीडियो को लाजमन शेयर कीजिएगा। सो अब गाइस आप लोगों का ज्यादा टाइम कंज्यूम ना करते हुए डायरेक्टली चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। गाइस सबसे पहले अगर मैं दोनों ही मोबाइल फोन के प्राइस टैग की बात करूं तो भाई रेडमी हमें 65,000 की प्राइस में पाकिस्तान में आफ्टर डिस्काउंट, और वहीं पर इन्फिनिक्स जो है 67,000 के प्राइस टैग में आफ्टर डिस्काउंट मिल जाएगा। मींस के दोनों ही मोबाइल फोन में जस्ट 2,000 का ही डिफरेंस है। सो कंपेरिजन अच्छा खासा बनने वाला है। अब अगर मैं दोनों ही मोबाइल फोन के बिल्ट इन डिजाइन की बात करूं तो सबसे पहले हम डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन में इस वक्त ये जो मेरे हाथ में रेडमी है ये फ्लैट टाइप डिजाइन 6.78 इंच डिस्प्ले के साथ आता है। अब अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो 8 mm की थिकनेस के साथ आता है। अगर वेट की बात करूं तो ऑन पेपर 190 ग्राम लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इस मोबाइल को काफी बार वेट आउट किया तो 200 ग्राम का वेट निकल कर आया। वहीं पर अगर मैं बात करूं इन्फिनिक्स की तो भाई इन्फिनिक्स 7.8 mm की थिकनेस के साथ आता है। ये मोबाइल फोन ऑन पेपर 188 ग्राम की थिकनेस वेट के साथ आता है, लेकिन मेरी टेस्ट आउट के मुताबिक ये मोबाइल फोन 195 ग्राम के वेट के साथ आ रहा था। अगर मैं दोनों ही मोबाइल फोन के बैक साइड डिजाइन की बात करूं तो दोनों ही मोबाइल फोन फ्रेम एंड बैक से हमें प्लास्टिक बॉडी मटेरियल में देखने में मिल जाएंगे। दोनों का ही बैक जो है वो ग्लासी टाइप है, सो फिंगरप्रिंट मैग्नेट नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपके हाथ थोड़े से आयली हैं या फिर थोड़ा सा गीले वगैरह हैं तो यकीनन दोनों ही मोबाइल फोन के बैक साइड पर या फिर साइडों पर फिंगरप्रिंट जो है वो आने वाले हैं, आ जाएंगे। अगर मैं बैक साइड पर इन रेडमी की बात करूं तो अलग-अलग से दो लेंस बड़े साइज में और साथ में एक छोटा लेंस और एक फ्लैश लाइट मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं भाई इन्फिनिक्स की तो सर्कुलर टाइप शेप में आपको जो है वो एक बम्प बाहर से निकला हुआ नजर आएगा, जिसके अंदर 3 कैमरा और एक रिंग लाइट शेप में आपको फ्लैश लाइट मिल जाएगी। दोनों ही मोबाइल फोन के अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो भाई ऑन ऑफ की साथ में वॉल्यूम रॉकर की मिल जाएगी। अपर साइड पर अगर दोनों ही मोबाइल फोन के आए तो एक अदद आपको नॉइज कैंसलेशन माइक, साथ में ही आईआर ब्लास्टर जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक जो रिमोटली आपके डिवाइसेस है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, एक स्पीकर ग्रिल मिल जाएगा। यहां पर रेडमी बेनिफिट ले जाता है क्योंकि यहां पर आपको रेडमी में 3.5 mm का जैक मिल जाता है। अगर मोबाइल के राइट साइड की बात करें तो इन्फिनिक्स एमपीटी है, वहीं पर रेडमी में एक सिम स्लॉट ट्रे मिल जाएगा जिसमें एट ए टाइम आप 2 सिम्स या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मोबाइल के बॉटम में जाएं तो यहां पर इन्फिनिक्स में सबसे पहले हमें एक सिम स्लॉट ट्रे मिल जाता है जिसमें मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ हम एट ए टाइम 2 सिम्स ही डाल सकते हैं। उसके बाद दोनों ही मोबाइल फोन में एक माइक जो है बात करने के लिए, साथ ही में यूएसबी टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट और एक और स्पीकर ग्रिल दोनों ही मोबाइल फोन में मिल जाएगा। अब यहां पर देखें भाई जो रेडमी है इसमें 3.5 mm का जैक है और साथ ही में हाइब्रिड सिम स्लॉट्स यानी कि मेमोरी कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। स्पीकर्स की बात करूं तो गाइस देखिए दोनों ही मोबाइल फोन स्टेरियो स्पीकर के साथ आते हैं। यहाँ ये जो इन्फिनिक्स है ये JBL साउंड सिस्टम के साथ आता है, वहीं पर जो रेडमी है इसने कुछ भी जो है मेंशन नहीं किया कि इसके स्पीकर कौन से ब्रांड से जो है वो ताल्लुक रखते हैं, लेकिन साउंड वाइज मैंने दोनों ही मोबाइल फोन को अच्छी तरह से चेकआउट किया है। एज सच स्पीकर्स में ज्यादा भाई डिफरेंस फील मुझे नहीं हुआ, थोड़ी सी बेसी, हल्की सी मामली सी बेसी जो है वो साउंड है कि रेडमी की, और वहीं पर अगर मैं बात करूं इन्फिनिक्स की तो थोड़ी सी क्रिस्पी साउंड है, लेकिन यहां पर इन्फिनिक्स में मुझे एक चीज बहुत बड़ी नजर आई जो कि मैं इसको कॉन्स में शामिल करूंगा। जब आप फुल वॉल्यूम पर सुनते हैं तो उसकी जो बैक साइड की ये जो बॉडी है मींस के बैक साइड ये पूरी आपको वाइब्रेट करते हुए फील आएगी। यहां पर ये जो कैमरा बम्प है इसके नीचे वाली साइड इस तरफ। दोनों ही मोबाइल फोन IP54 की रेटिंग के साथ आते हैं, सो स्पेलिश एंड डस्ट वगैरह से बस थोड़ा बहुत जो है वो दोनों ही मोबाइल फोन बच जाएंगी, बाकी वाटर में मत डालिएगा, दोनों ही मोबाइल फोन बस्ट आउट हो जाएंगी यानी कि पानी पड़ जाएगा। अगर मैं दोनों ही मोबाइल फोन के डिस्प्ले की बात करूं तो भाई दोनों ही मोबाइल फोन 6.78 इंच के AMOLED डिस्प्ले के साथ आते हैं। ये एक फुल HD डिस्प्ले है,
साथ ही में दोनों मोबाइल फोन 1 बिलियन कलर को सपोर्ट करते हैं, यानी 10 बिट कलरिंग को सपोर्ट करते हैं। दोनों ही मोबाइल फोन की अगर मैं पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो भाई 1300 निट्स की दोनों ही मोबाइल फोन पीक ब्राइटनेस के साथ आते हैं। सो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दोनों ही मोबाइल फोन का डिस्प्ले तकरीबन सेम ही है, कोई खास है सच फर्क नहीं है। दोनों ही मोबाइल फोन को मैंने इंडोर आउटडोर में यूज किया। अगर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो इस सच आपको इरिटेट नहीं करने वाला, अगर ज्यादा धूप भी है तो तब भी आपको मोबाइल का डिस्प्ले सही से विजिबल नजर आएगा। यहां पर रेडमी स्क्रीन प्रोटेक्शन के नाम पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं इन्फिनिक्स की तो कुछ भी खास मेंशन नहीं किया गया। गाइस अगर दोनों ही मोबाइल फोन के कलर सेचुरेशन एंड ब्राइटनेस की बात करें तो मैंने दोनों ही मोबाइल फोन पर काफी सारे वीडियोज मूवीज वगैरह को देखा, चेकआउट किया, तकरीबन कलर सेचुरेशन ब्राइटनेस एक जैसी है, बस यहां पर जो एक्सपोजर है वो थोड़ा सा इन्फिनिक्स में ज्यादा है। सो अगर आप कपड़े वगैरह ऑब्जेक्ट को पहने में तो थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा लगेगी। वहीं पर अगर मैं बात करूं रेडमी की तो इसके कलर थोड़े से पंची आपको ज्यादा दिखने में आएंगे। अब ये हर किसी की अपनी पर्सनल च्वाइस है कि आपको हल्के से डिम एंड पंची कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं या थोड़े से ब्राइटेड कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं जिसमें कलरिंग थोड़ी कम हो लेकिन ब्राइटनेस थोड़ी सी हल्की सी ज्यादा हो। बाकी दोनों ही मोबाइल फोन 120 हर्ट्ज डिस्प्ले को सपोर्ट करती है। सो मैंने दोनों ही मोबाइल फोन को 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पर चेकआउट किया, काफी देर तक चलाया। स्मूथनेस की लिहाज से दोनों ही मोबाइल फोन तकरीबन सेम थे। थोड़ा सा जो टच सैंपलिंग था ना, वो मुझे सेंसिटिविटी टच की वो थोड़ी सी मुझे बेहतर लगी रेडमी में। अगर मैं बात करूं मैसेजेस वगैरह की या इन फीडबैक हैप्टिक्स की तो फीडबैक हैप्टिक्स में वो जो टिक टिक वाला साउंड है वो मुझे रेडमी में फील हुआ। वहीं पर इन्फिनिक्स में इस सच मुझे इस तरह से कुछ फीलिंग्स नहीं आई। दोनों ही मोबाइल फोन फॉर 10 सेकंड्स ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिखाते हैं। तो भाई वही लॉलीपॉप वाली बात होगी यहां पर। अगर मैं वीडियोज में HDR वगैरह की बात करूं तो भाई रेडमी हमें जो है HDR 10 प्लस की सपोर्ट देखता है ऑफलाइन ऑनलाइन नेटफ्लिक्स वगैरह पर। वहीं पर इन्फिनिक्स जो है वो हमें HDR 10 प्लस वगैरह की सपोर्ट नहीं देता है। परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही मोबाइल फोन इस वक्त एंड्रॉइड 14 पर चल रही हैं, लेकिन Redmi आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर आता है, लेकिन इस वक्त अपडेट के बाद एंड्रॉइड 14 पर चल रहा है। और साथ में ही इन्फिनिक्स Redmi का अपना UI सिस्टम जो है HyperOS 14 अपडेटेड है। वहीं पर बात करूं इन्फिनिक्स की तो भाई आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पर है और साथ में इन्फिनिक्स का अपना XOS 14 इस पर चल रहा है। अब अगर मैं दोनों ही मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूं तो भाई यहां पर यह बात इजीली मेंशनड है कि रेडमी के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को टच नहीं कर सकता UI सिस्टम को इन्फिनिक्स, चाहे फिर वो प्री इंस्टॉल्ड एप्स की बात हो या फिर लॉन्ग लास्टिंग की बात हो। तो यहां पर जो स्टेबिलिटी है Xiaomi की या रेडमी की वो बहुत ही कमाल की होती है और ये तकरीबन अपने UI सिस्टम पर बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, एंड्रॉइड सिस्टम को भी छोड़कर UI पर स्पेशली और उसकी स्टेबिलिटी पर बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो इसमें मैं Redmi को आगे रखूंगा। दोनों ही मोबाइल फोन G99 चिपसेट के साथ आती है। अब यहां पर Infinix जो है G99 अल्टीमेट और वहीं पर जो Redmi है G99 अल्ट्रा चिपसेट के साथ आता है। दोनों ही मोबाइल फोन 256 GB रोम के साथ आता है। अगर रैम की बात करें तो दोनों ही मोबाइल फोन LPDDR4 की रैम के साथ आते हैं। यहां पर Redmi 8 GB प्लस 4 GB रैम के साथ आता है और वहीं पर Infinix 12 GB प्लस 12 GB रैम के साथ आता है। सो थोड़ी सी रैम ज्यादा होने की वजह से और चिपसेट में जो एंटूटू स्कोर है यहीं पर हमें इन्फिनिक्स जो है 4 लाख तकरीबन 35,000 और वहीं पर रेडमी जो है 4,23,000 देता है। तो एंटूटू स्कोर और साथ में रैम रोम की थोड़े से डिफरेंस की वजह से इन्फिनिक्स थोड़ा सा परफॉर्मेंस में मुझे आगे नजर आया। दोनों ही मोबाइल फोन की अगर इंटरनली मेमोरी बेस्ड ऑन सिस्टम की बात करें तो UFS 2.2 पर दोनों ही मोबाइल फोन बेस्ड ऑन है। दोनों ही मोबाइल फोन में मैंने काफी देर तक पबजी चलाई। पबजी की अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो भाई यहां पर दोनों ही मोबाइल फोन जो है वो स्मूथ अल्ट्रा पर साथ ही में बैलेंस्ड अल्ट्रा पर और हाई HD पर अप टू 40 FPS तक कवर करती है। इससे दोनों ही मोबाइल फोन सही स्मूथ से वर्क कर रही थी और साथ में लैगिंग वगैरह फील नहीं हो रही थी, लेकिन यहां पर भाई Redmi काफी ज्यादा हीट आउट हो रहा था, तकरीबन 40 सेल्सियस से भी ऊपर जा रहा था 41-42 पर। वहीं पर जो हीटिंग इशू है वो Infinix ने बहुत ज्यादा कवर किया और 40 से अबो नहीं गया। ये मैं एयर कंडीशन रूम की बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत जो है ना Redmi हीट होता हुआ नजर आया, ओवर हीटेड होता हुआ भी नजर आया। अगर मैं AC से बाहर होता तो हो सकता है कि Redmi ओवर हीटेड होता, लेकिन Infinix ने अपने आप को कंट्रोल में रखा। दोनों ही मोबाइल फोन वाइड 11 की सपोर्ट के साथ आते हैं। सो अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह पर वीडियोस देखते हैं तो फुल HD में देख सकते हैं। यहां पर Redmi आपको HDR की सहूलत देगा जबकि Infinix नहीं देगा। दोनों ही मोबाइल फोन पर अगर हम YouTube वगैरह पर वीडियोस देखते हैं तो अप टू
2K की रेजोल्यूशन के साथ दोनों ही मोबाइल फोन पर हम YouTube वगैरह पर वीडियो देख सकते हैं। इन्फिनिक्स ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम के साथ आता है जो कि Redmi में नहीं है। अगर मैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर की बात करूं तो दोनों सही से वर्कआउट करते हैं। ब्लूटूथ वर्जन दोनों ही मोबाइल फोन में 5.2 दिया गया है। अगर मैं NFC की बात करूं तो दोनों ही मोबाइल फोन में NFC दिया गया है। रेडियो यहां इन्फिनिक्स में हमें नहीं मिलता, वहीं पर रेडमी में हमें मिल जाता है। वाईफाई कॉलिंग की सहूलत दोनों ही मोबाइल फोन में दी गई है। अगर मैं OTG की बात करूं तो दोनों ही मोबाइल फोन OTG सपोर्ट करते हैं। गाइस, अगर दोनों ही मोबाइल फोन के कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो मैंने दोनों ही मोबाइल फोन को अच्छी तरह से कैमरा डिपार्टमेंट में चेकआउट किया। डे में, नाइट में, पिक्चर क्वालिटी में, पोर्ट्रेट मोड में, साथ ही में वीडियोग्राफी में, माइक के लिहाज से, फ्रंट कैमरा के लिहाज से, हर तरह से सही से चेकआउट किया। यहां पर भाई रेडमी हमें देता है बैक साइड पर एज ए प्राइमरी लेंस 200 मेगापिक्सल, साथ में 8 मेगापिक्सल और साथ में 2 मेगापिक्सल। और वहीं पर बात करें इन्फिनिक्स की तो भाई 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस और 2-2 मेगापिक्सल के सेकेंडरी और थर्डली लेंस। अब अगर मैं दोनों ही मोबाइल फोन के बैक साइड के कैमरा एक्सपीरियंस की बात करूं पिक्चर क्वालिटी की, हाँ यहां पर इन्फिनिक्स थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड कर रहा था। वहीं पर अगर मैं बात करूं रेडमी की तो इसमें HDR का सिस्टम दिया गया है पिक्चर क्वालिटी में, वीडियोग्राफी में नहीं। पिक्चर को नेचुरल रखता है, ऑब्जेक्ट के जो स्किन है स्किन टोन को भी नेचुरल रखने की कोशिश करता है। बाकी डायनामिक रेंज दोनों ही मोबाइल फोन तकरीबन सेम कवर करते हैं, ऐसे ज्यादा फर्क मुझे नजर नहीं आया। अगर मैं एक्सपोजर की बात करूं तो एक्सपोजर थोड़ा सा मामूली सा मुझे जो है इन्फिनिक्स में हल्का सा ओवर लगा, वहीं पर जो रेडमी है वो सही से एक्सपोजर को कवर कर रहा था, नेचुरल कलर टोन दे रहा था। पिक्चर क्वालिटी को जूम करने की बात करूं तो यहां पर क्योंकि 200 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है भाई रेडमी में, तो यकीनन आप कितना भी जूम करें तो पिक्चर फट नहीं रही थी, पिक्सल को वो जो ब्रेकआउट होते हैं वो ब्रेकआउट नहीं हो रहे थे। यहां इन्फिनिक्स भी सही से निभा रहा था। अगर मैं पोर्ट्रेट मोड की बात करूं तो पोर्ट्रेट मोड तकरीबन दोनों के सही है, सेम है, एक जैसे। पोर्ट्रेशन जो है वो मुझे थोड़ा सा इन्फिनिक्स में ज्यादा लगी, वहीं पर ये जो रेडमी है वो जो बैक एरिया को पोर्ट्रेट करने वाला सिस्टम है वो थोड़ा सा कम दिखा रहा था, लेकिन तकरीबन दोनों का ही सेम था। बाकी पिक्चर क्वालिटी की जो कलरिंग वगैरह है पोर्ट्रेट मोड में वो मैंने आपको पिक्चर क्वालिटी में पहले ही बता दिए। अगर दोनों ही मोबाइल फोन के वीडियोग्राफी की बात करें रेयर कैमरा की तो यहां पर भाई देखें ये जो इन्फिनिक्स है ये 2K up to 30 FPS और 1080p up to 60 FPS तक वीडियो कवर करने की या कैप्चर करने की सहूलत देता है हमें। वहीं पर अगर मैं बात करूं रेडमी की तो ये सिर्फ 1080p up to 60 FPS तक ही वीडियो रिकॉर्ड करने की सहूलत देता है। दोनों ही मोबाइल फोन में स्टेडी स्टेबिलाइजेशन मोड दिया गया है, लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं रेडमी की तो प्रो मोड में ही भाई आप जो है स्टेडी स्टेबिलाईजेशन को यूज कर सकते हैं, नॉर्मल वीडियोग्राफी में स्टेडी स्टेबिलाईजेशन को यूज नहीं कर सकते। वहां पर जो इन्फिनिक्स है वो नॉर्मल मोड में भी स्टेडी स्टेबिलाईजेशन को यूज करने की सहूलत हमें देता है। दोनों ही मोबाइल फोन की जो ऑटो फोकसिंग है वो तकरीबन सेम लगी, बाकी वीडियोग्राफी में एज सच आपको ज्यादा कोई डिफरेंस फील नहीं होने वाला। माइक क्वालिटी दोनों ही मोबाइल फोन की सही लगी, तकरीबन एक जैसी है, नॉर्मल है, एवरेज है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ना ही कोई इसमें जो है वो नॉइज कैंसिलेशन वगैरह दिया गया है। वीडियोग्राफी में माइक की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन तकरीबन एक जैसी मुझे फील हुई। यहां पर बस इन्फिनिक्स बेनिफिट ले जाता है क्योंकि ये 2K up to 30 FPS की रिकॉर्डिंग करता है, वहीं पर ये सिस्टम जो है रेडमी में नहीं दिया गया। साथ में स्टेडी स्टेबिलाईजेशन का जो सिस्टम है वो रेडमी को लाजमन देना चाहिए था, तो वीडियोग्राफी में मैं थोड़ा सा इन्फिनिक्स को आगे रखूंगा। अगर दोनों ही मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा की बात करें तो भाई मुझे ऐसे ज्यादा फर्क नजर नहीं आया। यहां पर अगर मैं बात करूं रेडमी की तो रेडमी आता है 16 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा के साथ, अगर मैं बात करूं इन्फिनिक्स की तो इन्फिनिक्स आता है 32 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा के साथ। वीडियोग्राफी तो जो मैंने आपको रेयर कैमरा की बताई वो सेम ही फ्रंट कैमरा की है। आते हैं पिक्चर क्वालिटी पर, क्योंकि यकीनन 32 मेगापिक्सल इन्फिनिक्स पर दिया गया है तो पिक्चर की जो पिक्सल डेंसिटी है उसको काफी जो है वो डेंसी रखता है, मजबूत रखता है। पिक्चर डेंसिटी पिक्सल डेंसिटी टूटती नहीं है इन्फिनिक्स में। बाकी वो जो कलर है वो मैंने जो सेम बताए रेयर कैमरा के लिहाज से, वही फ्रंट कैमरा में इन्फिनिक्स थोड़ा सा जो है वो कलर को बूस्ट आउट करता है, वहीं पर जो रेडमी है वो थोड़ा नेचुरल टोन देता है हमें कैमरा में फ्रंट बैक दोनों ही तरह से। अगर नाइट मोड की बात करें तो भाई मैं दोनों ही मोबाइल फोन के नाइट मोड के कैमरा से एज सच फुली सेटिस्फाइड नहीं हूं इन दोनों की प्राइस टैग के लिहाज से। बस ठीक है, गुजारा कर जाएंगे, लेकिन एज सच मेरे ख्याल में नाइट मोड में दोनों ही मोबाइल फोन के कैमरा जो हैं उनको थोड़ा सा उन पर काम किया जा सकता था दोनों ही ब्रांड्स को। गाइज, अगर मैं दोनों ही मोबाइल फोन के बैटरी बैकअप की बात करूं तो यहां पर इन्फिनिक्स हमें देता है 70 वाट का चार्जर और इसको चार्ज करवाने के लिए जो बैटरी है वो 5000 mAh की दी गई है।
वहीं पर अगर मैं बात करूं रेडमी की तो ये भी 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए 67 W का चार्जर देते हैं। अब भाई रेडमी क्लेम करता है कि 0 to 50% 16 मिनट में और 0 to 100% जो है वो 46 मिनट में कर देता है, लेकिन मेरे टेस्ट के मुताबिक काफी बार मैंने इसको टेस्ट आउट किया तो 0 to 50% करते करते 21, 22, 23 मिनट भी लेकर जाता है। काफी गर्मियां हैं, अगर इन्वायरमेंट को थोड़ा बहुत चेंज करें तो 25 मिनट भी ले लेता है। हाँ, सर्दियों में हो सकता है इतना ज्यादा डिफरेंस ना हो और 0 to 100 करते हुए आराम से जो है वो 1 आवर ले लेता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं इन्फिनिक्स की तो भाई इन्फिनिक्स क्लेम करता है कि 0 to 50% 20 मिनट में ये चार्ज कर लेता है, लेकिन मेरे टेस्ट आउट के मुताबिक वही कहानी दोहराई गई कि भाई 25 से 30 मिनट 25-26 मिनट भी ले रहा था। बहरहाल अगर दोनों ही मोबाइल फोन के बैटरी ड्रेन की बात करें तो ज्यादा फर्क मुझे फील नहीं हुआ, एक ही चिपसेट लगा हुआ है, एक ही तरह का डिस्प्ले लगा हुआ है, सो इससे ज्यादा फर्क नहीं था। कभी वो जीत रहा था, कभी वो जीत रहा था, मैंने दोनों ही मोबाइल फोन को काफी ज्यादा रगड़ा। बस एक बात मैं बताना चाहूंगा कि बैटरी ड्रेन होते हुए जो रेडमी है वो हीट हो रहा था, वहीं पर इन्फिनिक्स जो है वो हीटिंग इश्यूज में अपने आप को कवर कर रहा था। गाइस अगर मैं ओवरऑल दोनों ही मोबाइल फोन की बात करूं कि भाई इस प्राइस टैग में किस मोबाइल की तरफ जाना चाहिए या कौन सी मोबाइल लेनी चाहिए, तो गाइस देखिए सिंपल सी बात है, डिजाइन हर किसी की अपनी प्रेफरेंस है। अगर मैं बात करूं डिस्प्ले की तो भाई मुझे कर्व डिस्प्ले तो किसी भी सूरत में पसंद नहीं है, काफी एक्सीडेंटल टच है। मैंने 1 वीक इस मोबाइल यानी इन्फिनिक्स को यूज किया, भाई मैं इससे तंग आ गया, इतने एक्सीडेंटल टच थे। बाकी चिपसेट दोनों ही मोबाइल फोन में सेम दिया गया है, चार्जर इन्फिनिक्स में थोड़ा ज्यादा है। ओवरऑल मेरे ख्याल में हीटिंग इशू है रेडमी में, बाकी थोड़े बहुत प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही मोबाइल फोन में है, लेकिन अगर दोनों ही मोबाइल फोन के प्रोज एंड कॉन्स को छोड़कर बात करें तो मैं इन्फिनिक्स जो है वो 40 प्रो की तरफ जाना चाहूंगा, नोट 40 प्रो की तरफ। एक तो इसके साथ जो है चार्जर भी हमें दिया गया है, मैक्सेफ चार्जर, दूसरा 70 W का अलहदा से दूसरा चार्जर, और उसके साथ साथ स्टेबिलिटी जो बैटरी की मुझे लगी, मोबाइल में हीट इश्यू नहीं आ रहा था, साथ में कैमरा और हल्के फुल्के जितने भी मोबाइल फोन में स्पीड वाइज तकरीबन जो है हर एंगल से जो इन्फिनिक्स मुझे थोड़ा थोड़ा आगे नजर आ रहा था, सो मैं खुद जो है इन्फिनिक्स की तरफ जाना चाहूंगा। बाकी आपकी अपनी च्वाइस है, जहां आप जाना चाहें, अगर ब्रांड को देखना चाहते हैं तो भाई जो जाहिर सी बात है रेडमी का शौकीन होगा वो रेडमी की ही तरफ जाएगा। सो गाइस बहरहाल ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन बटन को कर दीजिएगा क्लिक। मिलते हैं किसी अच्छी सी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह ने के बाद।